डीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत सभी गणमान्य जन मुख्य मंच पर आप सबके बीच में। और देखिए पूरा लाइव का कार्यक्रम सम्माननीय राहुल गांधी जी की उपस्थिति में नरेंद्र बुड़ानिया जी के साथ और उनके समर्थन के लिए अपने आप में एक बहुत अद्भुत सौगात तारानगर की इस पावन धरती को निश्चित रूप से अभिनंदन। नरेंद्र बुड़ानिया जी स्वागत कर रहे हैं सम्माननीय राहुल गांधी जी का। और नरेंद्र बुड़ानिया स्वयं राहुल गांधी जी का स्वागत और सम्मान करते हुए, और अब आप देखिए सीधा स्वागत। हमारे सचिन पायलट साहब का, अशोक गहलोत जी का, गोविंद डोडासरा जी का और हमारे हरदिल अजीज राष्ट्रीय हमारे नेता राहुल गांधी जी हमारे बीच में आ चुके हैं इस ऐतिहासिक मीटिंग में। हम सब लोग मिलकर के इस गंगा जमनी तहजीब का एक पैगाम मिल देना चाहिए, इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं उम्मीद करता हूं आप व्यवस्था बनाएंगे। प्लीज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सब लोग व्यवस्थाओं को सुचारू करें, जहां जिसको जगह मिले वहां बैठ के अपनी व्यवस्था करें। मैं इसी आशा के साथ मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं शांति व्यवस्था बनाए रखे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी सचिन पायलट साहब आए और अपना संबोधन दे। सम्माननीय सचिन पायलट साहब, हम सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब, डोटासरा जी, मंच पर उपस्थित हमारे उम्मीदवार लोकप्रिय किसान नेता बुड़ानिया साहब, कृष्णा पूनिया जी, रफीक मंडेलिया जी, मंच पे जिलाध्यक्ष महोदय, सभी नेतागण आज इस चुनावी सभा में मौजूद, सभी किसान भाइयों, नौजवान दोस्तों, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, आप सब जानते हो 25 तारीख को राजस्थान में आप सब लोगों को एक नई सरकार का चुनाव करना है। हम जानते हैं आने वाले समय में किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए हमारी पार्टी की क्या सोच है, हम क्या करना चाहते हैं। निर्णय आपको करना है, दोनों दल आपके सामने हैं। और मैं तो मानता हूं आज राहुल जी हमारे बीच में आए हैं वोट मांगने के लिए आपसे। निर्णय आप लोग, दोनों दल में से आपको नीति देखनी है, नियत देखनी है और नेतृत्व देखना है। और मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी की नियत बेहतर है, कांग्रेस पार्टी की नीति बेहतर है और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व बेहतर है। इसलिए आप सब लोगों से मेरा निवेदन है 25 तारीख को वोट पड़ेगा और यहां पर चुनाव, मैं समझता हूं यहां पर चुनाव जनता लड़ रही है, इसलिए कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिलेगा और 30 साल से जो नहीं हुआ राजस्थान में वो इस बार होगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा बनेगी। ये लोग जो आपस में टकराव की राजनीति करते हैं, पाखंड की राजनीति करते हैं, झूठे वादे करते हैं, उसकी तुलना आप लोग कांग्रेस पार्टी से कीजिए। हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आपके सामने आया है आज। आज हमारे में हमें देरी हुई है, हम क्षमा चाहते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन इतना आवेदन आपसे जरूर करूंगा, ये चुनाव आने वाले 5 साल की दिशा और दशा तय करेगा। ये चुनाव राजस्थान के भविष्य को तय करेगा। आप लोगों को इतिहास देखना है, नेता देखनी है, नीति देखनी है। और आज बुड़ानिया जी हमारे बहुत पुराने नेता हैं, हम लोग संसद में काम कर चुके हैं और दशकों से इन्होंने सब लोगों को साथ लेकर काम करने का, आगे बढ़ने का काम किया है। जो उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं उनको यहाँ पे आना नहीं था, वो ये सोच के आए थे कि चुनाव आसान हो जाएगा, अब यहाँ पे आके फंस गए, अब उन्हें पता नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है। इसलिए मैं आपको एक लाइन बोलता हूं, भाजपा को कर दो गुल और कांग्रेस के डब्बे फुल। आप सब लोग दोनों हाथ खड़े करके कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आपने अपना समर्थन दें। मैं पुनः राहुल गांधी जी का धरती पर स्वागत करता हूं और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।
धन्यवाद। मैं अब निवेदन करना चाहूंगा, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय गोविंद डोडासरा जी आए और संबोधन करें। गोविंद डोडासरा जी, हमारे सबके नेता परम आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे आदरणीय पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट साहब, आपके लोकप्रिय नेता नरेंद्र बुडानिया जी, कृष्णा पूनिया जी, रफीक मंडेलिया जी, आप सम्मानित मंच और आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, समय आ गया है 25 तारीख 25 नवंबर 2023 को। मैं पहले भी नामांकन में कह के गया था, इस फाइल को भाई लोगों निपटानी है। जब काम शानदार किया है, योजनाएं शानदार दी हैं, गवर्नेंस गुड दी है, और आज नरेंद्र बुडानिया जी ने 5 साल में आपकी शानदार सेवा की है, इसका ऋण चुकाने का समय आ गया है। मैं पुनः आप सबके सामने एक ही निवेदन करने के लिए आया हूं कि भाई साहब, सब लोगों सुन लो, 25 नवंबर को रणछोड़दास जी को हराना है, नरेंद्र बुडानिया को जिताना है। आप सब लोग आए हो, एक बात याद रख लो, अगर ये मौका चूक गए, अगर वो मौको चूक गया ना, तो दोबारा मौको को नहीं आवेगो। आप बड़ा नेता जी ने जगह शिफ्ट हुआ है ने, एयर लिफ्ट हुआ है, बन बैरंग वापिस लोटाबा को समय आ गया है, वापिस बैरंग लौटा दीजियो। आदरणीय राहुल गांधी जी को हम सुनेंगे, 1-1.5 घंटे हम लेट आए हैं, ये मौका है सीकर चूरू झुंझुनू को संभाग बना के हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने तोहफा दिया है, इसके ऊपर वोट होना चाहिए। 10 तरीके की गारंटियां दी हैं, 7 गारंटी फिर दिए हैं, हमारी सरकार आगे बनेगी तो 17 गारंटियां चालू रहेंगी। अगर बीजेपी की सरकार गलती से बन गई तो केवल 1 गारंटी होगी, हर के घर में ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई आएगी, इसके अलावा बीजेपी के पास कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ओपीएस वालों भी ध्यान से सुन लो, 10 गारंटी का लाभ लेने वाले भी सुन लो, और 7 गारंटी महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए एक महिला मुखिया के हर साल का मिलेगा। आप कांग्रेस की नीतियों पे, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय खड़गे साहब के नेतृत्व में विश्वास करते हुए हर वर्ग के साथ में न्याय करने के लिए और राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए वोट दीजिए। आप सब लोग आए, आपका स्वागत। नरेंद्र बुडानिया हाईएस्ट वोटों से जीत करके राजस्थान के विधानसभा में जाना चाहिए, ये जिम्मा मैं आपको देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सम्माननीय अध्यक्ष जी गोविंद डोडासरा जी, मैं इसी कड़ी में दावत देना चाहता हूं राजस्थान के हर दिल अजीज, राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी से सादर निवेदन, जोरदार तालियों से आप ताली बजा के, अशोक गहलोत जिंदाबाद। हमारे महबूब नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोडासरा जी, श्री सचिन पायलट जी, नरेंद्र बुडानिया जी आपके लोकप्रिय उम्मीदवार, कृष्णा पूनिया जी, रफीक मंडेलिया जी और तमाम उपस्थित नेतागण, उपस्थित भाई और बहनों, नौजवान साथियों, इस शराब उमड़ पड़ा आपके यहाँ पर तारनगर में, ये इस बात का प्रतीक है, आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका विश्वास राहुल जी पे है, हम सब पे हैं, इसलिए मैं आपको इतने आह्वान करूंगा कृष्ण पूनिया जी, काम की मंडेलिया जी और तमाम उपस्थित नेतागण, वक्त आ गया है उपस्थित भाई, आपको नरेंद्र बुडानिया जी आपके अपने हैं, आपने उनके काम को देखा है, उन्होंने कोई कमी रखी नहीं काम करवाने के अंदर, और मैंने भी जो मांगा बुडानिया जी ने, मैंने कभी मना नहीं किया। आपके यहाँ पर नंद बुडानिया जी आपके अपने हैं, कृषि कॉलेज खुली है, आपने उनके काम को देखा है,
उन्होंने कोई कमी रखी नहीं काम करवाने के अंदर। और मैंने भी जो मांगा बुढ़ाने जी ने, मैंने कभी मना नहीं किया। आपके यहाँ पर सेशन कोर्ट एक्शन ऑफिस में उप तहसील खोली गई, तार नगर इंडोर स्टेडियम बन रहा है, तार नगर को मुख्य मंडी घोषित किया गया है, सड़कें बन रही है, और सबसे बड़ा काम नहर का कुमाराम आर्य नहर जो पहले हमने घोषित किया था 2003 के अंदर, सरकार बदल गई हमारी, ही राजेंद्र राठौड़ मंत्री बन गए, इनके साइन उसके अंदर, इन्होंने उस काम को जो नहर का काम था 120 किलोमीटर का, उसको कैंसिल करने वाले का नाम क्या है, राजेंद्र राठौड़ नाम है, वही उम्मीदवार आपके बीच में है। तो आप सोच सकते हैं, अभी मैंने वापिस 120, और मैं ये कहना चाहूंगा सरकार रिपीट करो, इस नहर को आगे बढ़ाएंगे, ये मैं वादा करना चाहता हूँ। आप सोच सकते हैं, अभी मैंने वापिस 120 किलोमीटर नहर का मैंने घोषणा करी, गांधी जी ने कह रखा 7 किलोमीटर बन चुकी है, और मैं ये कहना चाहूंगा सरकार रिपीट करो, इस नहर को आगे बढ़ाएंगे, ये मैं वादा करना चाहता हूं आप लोगों से। बाकी तो राहुल गांधी जी ने कह रखा है, हमें 4 मुद्दे दिए, बाढ़ जोड़ो यात्रा, महंगाई का शानदार काम किया, महंगाई का आधार शिविरों के अंदर, बेरोजगारी का 3 लाख नौकरी लग रही है, शायद देश में कहीं नहीं लग रही होगी, प्यार मोहब्बत भाईचारे का वो संदेश आप जानते हो कि हमारे यहाँ विभाग खुल गया है शांति व अहिंसा का, और गरीब अमीर की भी खाई नहीं पड़नी चाहिए। तमाम मेरी योजनाएं आप देखोगे बारीकी से, इतने कानून पास किए हम लोगों ने, योजनाएं लाए हैं, महंगाई राहत शिविर में गारंटी दी है, और 7 गारंटी और दी गई जा रही है आपको, जो आपके पास में पहुंच चुकी है। इतना ही जाना चाहूँगा आपको, कृपा करके अभी समय की कमी है, मौसम खराब हो गया, आने में देरी हुई है, राहुल जी बोलेंगे, आपके मैं आह्वान करूँगा, सामने जो बाक्याएँ चुरू से ऐसे भगोड़े व्यक्ति को क्यों जीताओ, आप लोग आप समझ सकते हैं, पहले भी आए थे वापिस गए फिर आए, क्या कारण है भाई, अपना क्षेत्र छोड़ क्यों रहा है, क्यों छोड़ता है क्षेत्र को, वही छोड़ता है जो वहाँ पे काम नहीं करता है। आपको मैं आह्वान करूँगा, बुढ़ानिया आपका अपना है, राहुल जी ने सोच समझ के, खड़गे साहब ने सोच समझ के इनको पुनः उम्मीदवार बनाया है, आप सब इनका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका विश्वास इनके साथ रहे, चुनाव जीतने के बाद में जो ये आप कहोगे इनको तमाम काम करेंगे, क्योंकि मैंने कह रखा था पहले भी इनको कि बुढ़ानिया तुम मांगते मांगते थक जाओगे, सरकार देते देते नहीं थकेगी, यही बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूँ हिंदुस्तान के हृदय सम्राट राहुल गांधी जी। अशोक गहलोत जी, दोतासरा जी, सचिन पायलट जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। मूड कैसा है आपका? अच्छा है मूड। देखिए, पिछले चुनाव के एकदम बाद हमारे राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी, और मैंने तीनों चीफ मिनिस्टर से शुरुआत में ही मीटिंग की, और उस मीटिंग में मैंने उनसे कहा कि देखिए, पिछले सालों में बीजेपी ने पूरी की पूरी मदद अरबपतियों की है, अब जितना पैसा
नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने हिंदुस्तान के अरबपतियों को दिया है, उतना पैसा हमारी सरकार को राजस्थान के गरीब लोगों के जेब में डालना है। अगर अदानी को एक रुपया गया तो राजस्थान के किसान को भी एक रुपया देना पड़ेगा। यह मैंने गहलोत जी से कहा, बघेल जी से कहा, कमलनाथ जी से कहा, सिद्धरमैया जी से कहा, सुक्कू जी से कहा, और हमारी हर स्टेट में अब एक नया मॉडल बन रहा है। यहां पे ₹25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस राजस्थान में मिलता है। आप सोचिए राजस्थान के गरीब लोगों का कितना पैसा बचा होगा पिछले 5 सालों में। नरेंद्र मोदी जी अस्पतालों को प्राइवेटाइज करते हैं, स्कूल और कॉलेजेस को प्राइवेटाइज करते हैं, और पूरा का पूरा फायदा अरबपतियों को देते हैं। किसान के कानून लाए, उन्होंने कहा था कि किसानों को फायदा होगा। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने कहा किसानों को फायदा होगा, और देश के सारे किसान धरना पे खड़े हो गए। 1 साल उन्होंने धरना की, कहा हमें ये कानून नहीं चाहिए, ये हमारा कानून नहीं है, ये अदानी और अंबानी का कानून है। और अंत में जाके कांग्रेस पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने और देश के किसानों ने इस काले कानून को रद्द किया, खत्म किया, डस्टबिन में उठा के फेंक दिया। महंगाई बढ़ती जा रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, रोजगार देने की रीढ़ की हड्डी छोटे व्यापारी होते हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले होते हैं, जो छोटे उद्योग चलाते हैं वो लोग होते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, यहां पे किसी एक व्यक्ति को नोटबंदी से फायदा हुआ? कोई बता सकता है? हां भाई, नोटबंदी से मुझे फायदा हुआ, काला धन मिट गया। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था अगर काला धन नहीं मिटा तो मुझे फांसी दे देना, याद है आपको? रोते हुए कहा था मुझे फांसी पर लटका देना। कोरोना के समय नरेंद्र मोदी जी ने आपसे कहा मोबाइल फोन की लाइट ऑन करो, थाली बजाओ, याद है आपको? पूरे देश में लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं था, दवाई नहीं थी। नरेंद्र मोदी आते हैं, कहते भाइयों और बहनों कोविड आ गया, लाखों लोग मर रहे हैं, चलो थाली बजाओ, थाली बजाओ, थाली बजाओ। और यहां पे भीलवाड़ा मॉडल, वहां पे थाली बज रही थी, राजस्थान में घर में फूड पैकेट मिल रहा था, दवाई मिल रही थी, मरीजों की रक्षा हो रही थी। क्यों? क्योंकि हम गरीबों की सरकार चलाते हैं, किसानों के मजदूरों की सरकार चलाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पेंशन बंद कर दी, ओल्ड पेंशन स्कीम रद्द कर दिया। राजस्थान में हमने ओपीएस पास कर दिया, कानून बनाने जा रहे हैं।
महंगाई राहत कैंप, 1.5 करोड़ लोगों को फायदा दिया, सिलेंडर की सब्सिडी, बिजली की सब्सिडी, अन्नपूर्णा फूड पैकेज, ये हमारा काम है, कांग्रेस पार्टी का काम है। गरीबों के जेब में हम पैसा ट्रांसफर करते हैं, वो अदानी जी के जेब में डालते हैं, हम आपके जेब में डालते हैं। ओपीएस से 5 लाख परिवारों को फायदा हुआ है, 1 करोड़ लोगों को 24,000 करोड़ रुपए, 1,000 रुपए प्रति महीना पेंशन में हमारी सरकार देती है। किसानों का कर्जा माफ किया, बिजली 100 यूनिट मुफ्त में, 1 करोड़ परिवारों को फायदा, और शिक्षा में 3,600 अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले हमने, 309 नए कॉलेज, 9 नई यूनिवर्सिटियां। बीजेपी के नेता कहते हैं, भाइयों और बहनों हिंदी पढ़ो, अंग्रेजी मत पढ़ो। आपको कहते हैं कि अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए। आप अगर जाके किसी भी बीजेपी नेता से पूछो आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, आपको बताएंगे हमारे बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। वो चाहते हैं कि गरीब लोगों के बच्चे, किसानों के बच्चे अंग्रेजी ना सीखें, कॉल सेंटर में काम ना करें, आईटी का काम ना करें, विदेशी कंपनी में नौकरी ना करें, खेती ही करते रहे। हिंदी की जगह है और अंग्रेजी की भी जगह है। हिंदी में राजस्थान में बात करनी हो, उत्तर प्रदेश जाओ, बिहार जाओ तो हिंदी चलेगी, मगर बड़ा सपना देखना है, किसी युवा को अपना बिजनेस खोलना है, इंटरनेट में काम करना है, कॉल सेंटर में काम करना है, विदेश जाना है, तो अंग्रेजी की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमने अंग्रेजी स्कूलों के जाल खोला है, पूरे प्रदेश में हमने खोल दिए। अब चुनाव में हमने आपको 7 गारंटी दी है, इनको आप अच्छी तरह सुनिए। सबसे पहले महिलाओं को 10,000 रुपए साल के राजस्थान में, हर परिवार में एक महिला को 10,000 रुपए साल के। गरीब लोगों के लिए 500 रुपए का सिलेंडर, 15 लाख रुपए इंश्योरेंस, सब बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल, सरकारी कॉलेजेस में जो पढ़ते हैं उनके लिए फ्री लैपटॉप, सरकारी एम्प्लॉयज के लिए लीगल गारंटी ओपीएस का, हम उसको कानून बना देंगे। और गांव के लोगों के लिए जैसे हम छत्तीसगढ़ में करते हैं, गोबर का परकोमेंट 2 रुपए प्रति किलो। भाई और बहनों हम यहां गरीबों की सरकार चलाते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। नरेंद्र मोदी जी जीएसटी लागू किए, पहली बार हिंदुस्तान में किसान को टैक्स देना पड़ रहा है। नोटबंदी की, सारे के सारे छोटे व्यापारियों को उन्होंने खत्म कर दिया। जहां भी देखो अदानी जी कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हैं, एयरपोर्ट उनके, पोर्ट उनके, सीमेंट प्लांट उनके, सड़क उनके, तो ये पूरा का पूरा काम अमीर लोगों के लिए करते हैं। होता क्या है, ये अदानी जी की मदद करते हैं, अदानी जी पैसा कमाते हैं और उस पैसे को विदेश में इस्तेमाल करते हैं।
विदेश की कंपनियां खरीदते हैं, हम क्या करते हैं, हम किसानों मजदूरों के जेब में पैसा डालते हैं। होता क्या है भाइयों और बहनों, किसान पैसा कहां खर्च करेगा, गांव में पैसा खर्च करेगा, शहर में पैसा खर्च करेगा, छोटे दुकानदारों से शर्ट पैंट अनाज खरीदेगा, पैसा सीधा गांव में और शहर में जाता है और इससे राजस्थान की अर्थव्यवस्था चालू हो जाती है, सबको फायदा मिलता है। यह फर्क है हम में और उनमें। आप देखिए नरेंद्र मोदी जी का 24 घंटा टेलीविजन पर चेहरा आता है, आता है? नरेंद्र मोदी जी टीवी पे दिखते हैं ना 24 घंटा? क्यों दिखते हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी सबसे बड़े उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं। ये टेलीविजन के मालिक हिंदुस्तान के किसान नहीं है, हिंदुस्तान के मजदूर नहीं है, हिंदुस्तान के बेरोजगार युवा नहीं है, ये टेलीविजन के मालिक अरबपति लोग हैं, इसलिए वो नरेंद्र मोदी का चेहरा टेलीविजन पे 24 घंटा डालते हैं। भाइयों और बहनों, अगर टेलीविजन किसानों के हाथ में होता, मजदूरों के हाथ में होता, बेरोजगार युवाओं के हाथ में होता, तो 24 घंटा राहुल गांधी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट का चेहरा टीवी पे आपको दिखने को मिलता। तो यहां पे सरकार ने आपके लिए बहुत काम किया है, स्वास्थ्य के लिए किया है, ओल्ड पेंशन स्कीम दिया है। आप एक बात याद रखिए, बीजेपी की सरकार आएगी तो जो भी हमने आपके लिए किया है, चाहे वो पेंशन स्कीम हो, चाहे वो स्वास्थ्य योजना हो, चाहे वो 500 रुपए का गैस सिलेंडर हो, चाहे वो महिलाओं को 10,000 रुपए देने की बात हो, बीजेपी ये सब खत्म कर देगी और एक बार फिर अरबपतियों की मदद करना शुरू कर देगी। कांग्रेस को आपने वोट दिया तो गरीबों को फायदा होगा, किसानों का फायदा होगा, किसानों का कर्जा माफ होगा, किसानों की मदद होगी, छोटे व्यापारियों को फायदा होगा। यह आपको निर्णय लेना है, आप अदानी की सरकार चाहते हो या किसानों मजदूरों युवाओं की सरकार चाहते हो? हम चाहते हैं। किसकी चाहते हो भाई? अदानी की चाहते हो क्या? अदानी की सरकार कोई नहीं चाहता। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मोदी की गारंटी। देखो भैया लोग हंस रहे हैं, मैं कह रहा हूं मोदी की गारंटी, लोग हंस रहे हैं सामने। 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में मिल गया आपको? मिल गया? मोदी की गारंटी का मतलब अदानी की गारंटी। कांग्रेस का मतलब किसानों मजदूरों युवाओं की सरकार। यह फर्क है, आपको निर्णय लेना है। कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से चुनाव जिताइए और जो काम हमने आपके लिए शुरू किया है उसे और तेजी से डबल रफ्तार से हम आपके लिए करेंगे। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नरेंद्र बुड़ानिया जी, आपके बीच में धन्यवाद। नरेंद्र बुड़ानिया, हिंदुस्तान के युवाओं के हृदय सम्राट आदरणीय राहुल गांधी जी, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी,
हमारे किसान नेता और प्रदेश के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी, आदरणीय सचिन पायलट जी, यहाँ उपस्थित सभी मेरे भाइयों, राहुल जी, ये सारी जनता अपने अपने ट्रैक्टर ले गया आइए, अपने अपने गाड़ियां लेके आइए। मैं तो एक गरीब किसान का बेटा हूं, मेरे सामने जो चुनाव लड़ रहे वो 100 करोड़ के मालिक है, यहां मालिक है मेरी जनता है मेरे साथ में। साथियों, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं आपको, और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 5 साल मैंने आपकी सेवा की है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे 5 साल मिलेंगे तो तारानगर विधानसभा क्षेत्र का कोई गांव नहीं रहेगा जिसमें नहर नहीं होगी। नहर होगी, सब जगह नहर होगी। साथियों, राजेंद्र राठौड़, दबाव की राजनीति चल रहा है, लोगों को जो है खरीदने की कोशिश कर रहा है, बाहर की लोगों को यहां लाके बैठा दिया है। जवाब दे दो, दोगे दोगे दोगे? ऊंचा हाथ करके बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद। मिल गया मोदी की गारंटी का मतलब, अदानी की गारंटी। कांग्रेस का मतलब किसानों, मजदूरों, युवाओं की सरकार। यह फर्क है। आपको निर्णय लेना है। कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से चुनाव जिताइए और जो काम हमने आपके लिए शुरू किया है उसे और तेजी से, डबल रफ्तार से हम आपके लिए करेंगे। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नरेंद्र बुड़ानिया जी आपके बीच में, धन्यवाद। नरेंद्र बुड़ानिया जी, हिंदुस्तान के युवाओं के हृदय सम्राट आदरणीय राहुल गांधी जी, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे किसान नेता और प्रदेश के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी, आदरणीय सचिन पायलट जी, यहाँ उपस्थित सभी मेरे भाइयों, राहुल जी, ये सारी जनता अपने अपने ट्रैक्टर लेके आई है, अपने अपने गाड़ियां लेके आई है। मैं तो एक गरीब किसान का बेटा हूं, मेरे सामने जो चुनाव लड़ रहे वो 100 करोड़ के मालिक है, यहां मालिक है मेरी जनता है मेरे साथ में। साथियों, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं आपको, और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 5 साल मैंने आपकी सेवा की है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे 5 साल मिलेंगे तो तारानगर विधानसभा क्षेत्र का कोई गांव नहीं रहेगा जिसमें नहर नहीं होगी। नहर होगी, सब जगह नहर होगी। साथियों,
राजेंद्र राठौड़, दबाव की राजनीति चल रहा है, लोगों को जो है खरीदने की कोशिश कर रहा है, बाहर की लोगों को यहां लाके बैठा दिया है। जवाब दे दो, दोगे दोगे दोगे? उन जात करके बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, अंदर है इनके बुढ़ानी के साथ में। राहुल जी, प्लीज राहुल गांधी ने आज अपने सभा को संबोधित किया है। अब यहाँ पर राहुल गांधी को कानगंज से रवाना होते हुए मेन साइड पर राहुल गांधी बैठे हैं और उनके साथ में गहलोत कारगर देख पा रहे होंगे। राहुल गांधी जी आप देख पा रहे होंगे, सर कितना असर रहेगा? राहुल गांधी जी की बहुत ही अद्भुत मीटिंग रही है। तो निश्चित रूप से अभी राहुल गांधी जी ने अपना संबोधन दिया है। बुढ़ाने जी ने पूरी जनता के साथ ऐतिहासिक जनसैलाब के बीच में सभा को संबोधित किया है। किस तरीके के रिएक्शन रहे, कैसी सभा रही? जी मैडम,